हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मैं फिर आप लोग के लिए एक नया एनालिसिस लेके आया हूँ। जो इस एनालिसिस में आज हम लोग फेरोमैग्नीज का मैग्नीज टेस्ट करेंगे और इस प्रोसीड्योर को पूरा देखिएगा, बीच में स्किप नहीं कीजिएगा। स्किप कीजिएगा तो आपको एनालिसिस पूरा समझ में नहीं आएगा, इसलिए इस वीडियो को स्टार्ट से लेके लास्ट तक कंटिन्यू देखिएगा, क्योंकि ये इस प्रोसेस में थोड़ा सा बीच में लंबा प्रोसेस है, तो बीच में थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा और फिर आप आराम से एनालिसिस कर पाइएगा। तो आज हम फेरोमैग्नीज का टेस्ट कर रहे हैं। फेरोमैग्नीज और सिल्कोमैग्नीज दोनों का प्रोसीड्योर सेम है और उसी प्रोसेस से आप कीजिए, तो आपको सारा आपको रिजल्ट सही आ जाएगा। हम लोग अभी जो टेस्ट करेंगे वो वोलार्ड मेथड से टेस्ट करेंगे, पोटेशियम पर मैग्नेट के थ्रू। तो और चलिए हम लोग टेस्ट करते हैं। ये देखिए, सिल्को मैग्नीज का मेरे पास सैंपल है। अभी सिल्को मैग्नीज टेस्ट करेंगे। सैंपल ले लेंगे सबसे पहले 0.5 ग्राम। बैलेंस अपना जीरो कर दिए हैं, इसमें हम 0.5 ग्राम सैंपल लेके आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, मेरा 0.5 ग्राम सैंपल हो गया। इसको हम क्या करेंगे, एक बीकर में डाल देते हैं। 250 ml का बीकर है, इसमें डाल दिए, बढ़िया से झाड़ के डाल दीजिए इसमें। अब इसको हम लोग एक और एजिया से फ्यूज करेंगे इसको। चलिए, इसमें देखिए 40 ml एक और एजिया है। एक और एजिया को इसमें डाल देते हैं। देखिएगा, डालने के बाद स्टार्टिंग में ये सॉल्यूशन ब्लैक हो जाएगा और ब्लैक होने के बाद फिर ये धीरे धीरे अपने कलर में आ जाएगा। अब इसको मैं हॉट प्लेट पे डाल दिया हूँ, इस पर वाच ग्लास डाल दीजिए। ये वाच ग्लास डाल दीजिए, इसको बेक करना है हॉट प्लेट पे। इसको वेक करना है। वेक होने में आपको कम से कम आधा घंटा लगेगा। ये अब आधा घंटे तक इसको बेक होने दीजिए। बेक होने के बाद फिर आगे का प्रोसेस हम आपको दिखाएंगे। सॉल्यूशन मेरा बेकिंग कंडीशन में आ रहा है। इसको देखिए किस पोजीशन में, ये धीरे धीरे पूरा बेक हो जाएगा। पूरा इसको कंप्लीट बेक करेंगे, इसके बाद इसको हम हॉट प्लेट से रिमूव करेंगे। मेरा सॉल्यूशन कंप्लीट बेक हो गया। देखिए कंप्लीट बेक है। अब इसको हॉट प्लेट से नीचे को रख देना, नीचे उतार देना इसको। इसको ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद 1:1 HCl से डिजॉल्व करेंगे इसको। अब मेरा ये सॉल्यूशन ठंडा हो गया है। इसमें 1:1 HCl 50 ml डाल दे रहे हैं। इसको फिर डिजॉल्व कीजिए। 10 मिनट में ये डिजॉल्व हो जाएगा। डिजॉल्व होने के बाद इसको फिल्टर कर लेंगे हम लोग। तब तक इधर फिल्टर रेडी करते हैं। सॉल्यूशन डिजॉल्व होने लगा मेरा। देखिए डिजॉल्व हो रहा है। इसको 5 मिनट तक डिजॉल्व कराइए अच्छे से। 5 मिनट में ये डिजॉल्व हो जाएगा, इसके बाद हम इसको फिल्टर कर लेंगे।
ये मेरा सॉल्यूशन डिसॉल्व हो गया। अब इसको हम हॉट प्लेट से हटा लेते हैं, इसको फिल्टर करना है मुझे, चलिए उसको फिल्टर करते हैं। ये हमारा देखिए, हम फिल्टर किस में कर रहे हैं, 250 ml के वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में इसको फिल्टर करेंगे। इसका फिल्ट्रेट को हम इसमें 250 ml के वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में कलेक्ट करेंगे। यहाँ हम फिल्टर पेपर लगा के रखे हैं, आपके पास पल्प हो तो पल्प में फिल्टर कीजिए, फिल्टर पेपर हो तो फिल्टर पेपर में कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी में भी आप कर सकते हैं हमको। और इसको फिर हॉट डिस्टिल वाटर से थोड़ा इसको वॉश कर लेंगे। इस बीकर में हम हॉट डिस्टिल वाटर रखे हुए हैं, इससे वॉश करेंगे। अब हम फिल्टर्ड पे जा रहे हैं, चलिए फिल्टर स्टार्ट। इसको अच्छा से, इसको बढ़िया से जो सटा हुआ है बीकर में उसको छुड़ा लीजिए इससे, उसको इसको फिल्टर करेंगे। मेरा फिल्ट्रेट कंप्लीट हो गया, अभी इसको हम यहाँ रखते हैं, ये रेसिड्यू मेरा यहाँ है, यहाँ मेरा फिल्ट्रेट है। अभी मेरा 250 ml इसको मेंटेन करना है, क्योंकि अभी मेंटेन नहीं करेंगे, अभी हम इसको थोड़ा ठंडा कर लेते हैं। यहाँ ठंडा करने के लिए यहाँ पानी रखे हैं, इसमें डाल के हम इसको थोड़ा ठंडा कर लेंगे। ठंडा होने के बाद ही इसका इसको मेंटेन करेंगे 250 ml, क्योंकि अभी डाल देंगे मेंटेन करेंगे फिर आपको मेंटेन करना होगा, क्योंकि गर्म है, गर्म में ये क्या हो जाएगा, मतलब वॉल्यूम कम हो जाएगा, स्टीम बन के निकल जाएगा वो, इसलिए अभी ठंडा होने दीजिए इसको। ठंडा होने के बाद इसको वॉल्यूम मेंटेन करेंगे। ये हम मेंटेन कर लिए हैं, देखिए मेरा ठंडा हो गया सॉल्यूशन, इसको मेंटेन कर लिए हैं 250 ml। अब इसी सॉल्यूशन से हम मैग्नीज टेस्ट करेंगे। अब मैग्नीज कैसे टेस्ट करेंगे वो अभी, चलिए अभी और बहुत सारा प्रोसेस है, उस प्रोसेस में चूँकि लंबा प्रोसेस है वोलार्ड प्रोसेस मैग्नीज टेस्ट का, तो आगे का प्रोसेस में आइए। अभी इसका काम यहाँ तक एंड हो गया है, अब फिर हम सिर्फ इससे सैंपल लेंगे। सैंपल किस में लेंगे, अभी अपने पास आपके पास अगर 1 लीटर का कोनिकल फ्लास्क हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन फिलहाल मेरे पास अभी 500 ml का ही कोनिकल फ्लास्क है। इसमें क्या करेंगे, 300 ml हम हॉट डिस्टिल वाटर इसमें डालेंगे, 300 ml। इसमें डिस्टिल वाटर है गरम, इसमें हम ये डाल देते हैं। अभी मेरा ये 200 होगा, चलिए कोई बात नहीं, इसको फिर डाल के हम इसमें गरम कर लेंगे थोड़ा। अभी इसमें जिंक ऑक्साइड का पाउडर डालेंगे, अभी ठंडा हो गया, इसको थोड़ा हम हॉट प्लेट पे रखते हैं। ये देखिए हम जिंक ऑक्साइड डब्बा से निकाल के हम पेपर पे रख लिए हैं, ताकि आप लोग को देखने में ज़्यादा सुविधा हो। ये प्योर पाउडर फॉर्म में है ना। अभी इसको क्या करेंगे, ये पानी मेरा इसमें डिस्टिल वाटर गर्म हो चुका है, अभी इसमें डालेंगे इसको।
आप कम से कम 15 से 20 ग्राम जिंक ऑक्साइड आप ले लीजिएगा, क्योंकि कम से कम 15 ग्राम के आसपास में आप ये डिस्टिल वाटर में सॉल्यूशन बना लीजिएगा जिंक ऑक्साइड का। ये डाल चुके हैं, ये सॉल्यूशन बना दिए हैं। अब सॉल्यूशन को हम हॉट प्लेट पे रख देंगे। जब तक ये सॉल्यूशन गर्म होता है, इसी बीच में हम जो 250 ml में वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में जो सॉल्यूशन है उसको 50 ml हम निकाल के रख लेंगे पिपेटिंग करके। पिपेट के थ्रू 50 ml सॉल्यूशन आप उससे निकाल लीजिए। ये देखिए 50 ml का मेरे पास पिपेट है, 50 ml। अभी हम इसमें से 50 ml सॉल्यूशन निकालेंगे। ये 50 ml मेरा सॉल्यूशन हम पीपेट में ले लिए। अब इस सॉल्यूशन को क्या करेंगे, जो मेरा यहाँ जिंक ऑक्साइड का सॉल्यूशन बनाए हैं, इस जिंक ऑक्साइड के सॉल्यूशन में हम इसको डाल देंगे। जब तक ये सॉल्यूशन आपका गर्म होगा, इसी बीच में आप पीपेटिंग कर लीजिएगा, पीपेट में सैंपल ले लीजिएगा। अभी क्या करेंगे, इसको थोड़ा, मेरे पास हाइट नहीं है, इसको हम थोड़ा नीचे करते हैं और इसमें हम ये 50 ml सॉल्यूशन डाल दे रहे हैं। ये ध्यान रखिएगा कि सॉल्यूशन डालने के बाद आपका ये जो जिंक ऑक्साइड का जो सॉल्यूशन का कलर वाइट है वो रेडिश ना आए। अगर रेडिश आता है तो फिर इसमें आपको जिंक ऑक्साइड का पाउडर और डालना होगा। मतलब ये टाइटेशन करने से पहले ये प्योर मिल्की वाइट होना चाहिए सॉल्यूशन। पेट को पूरा फूक के निकाल लिए। हम 50 ml सॉल्यूशन जो था निकाले वो इसमें हम डाल दिए। इसको सेक कीजिए ऐसे। अब सेक करने के बाद देखिए इसका कलर देखिए कैसा है। ये कलर हल्का आपको रेडिश कलर टाइप में आ रहा है। आपको वीडियो में ध्यान से देखिए, रेडिश कलर आ गया। ये कलर देखिए हल्का, ये प्योर वाइट नहीं है। देखिए कलर आपको दिख रहा होगा, डेवलप कर गया है ये कलर। ये कलर नहीं आना चाहिए। तो कैसा कलर आना चाहिए, प्योर वाइट होना चाहिए ये कलर। ये कलर प्योर वाइट होना चाहिए। हम जो जिंक ऑक्साइड थोड़ा बचा के रखे हुए थे, ये भी जिंक ऑक्साइड मुझे डालना पड़ेगा। अभी भी आप जिंक ऑक्साइड डाल सकते हैं। जिंक ऑक्साइड आपको एवरेज समझ लीजिए कि कम से कम 20 ग्राम लग जाएगा, 20 ग्राम। एक टेस्ट करने में 20 ग्राम जिंक ऑक्साइड आपको लग जाएगा। अब इसको चेक कीजिए, ये सॉल्यूशन देखिएगा वाइट हो, ज्यादा
पिंक टाइप का नहीं आया क्योंकि आपका एंड पॉइंट ही हमको पिंक लाना है इसमें। अभी ये सॉल्यूशन को हमेशा हम हॉट प्लेट पे ही रख के सेक कर रहे हैं। इसमें चार पांच ड्रॉप डाल दीजिए नाइट्रिक एसिड, 1, 2, 3, 4, 5। इससे क्या होगा, आपका कलर अच्छा आएगा। क्योंकि आपका कोनिकल फ्लास्क गर्म हो जा रहा है इसलिए आप एक कपड़ा ले लीजिए, नहीं तो आप हैंड ग्लव्स ले लीजिए। हैंड ग्लव्स से पकड़ के ही आप टाइटेशन कीजिएगा क्योंकि ये पूरा हॉट कंडीशन में ही आपको टाइटेशन करना होगा। ये सॉल्यूशन देखिए डिजॉल्व हो रहा है, ज़्यादा ऊपर नहीं आने दीजिएगा, नहीं तो क्या होगा ये फेंक देगा बाहर। जैसे ही हल्का हल्का ऊपर आने लगे आप तुरंत इसको एक कपड़ा से पकड़ के उतार लीजिएगा और तुरंत टाइटेशन कीजिएगा। ये प्रोसेस आपको दो बार करना होगा क्योंकि आपको पता नहीं है कि जो मेरा सिलिको मैंगनीज है कितना ग्रेड का है। तो एक फर्स्ट सैंपल से जो कीजिएगा उससे आप आइडिया ले लीजिएगा, अगर आपको आइडिया है करने का तब तो आप लास्ट में धीरे धीरे टाइटेशन करके आप निकाल लीजिएगा। लेकिन आइडिया नहीं है कि कितना परसेंट का है ये, तो फिर आपको हो सकता है कि इसमें सॉल्यूशन ज़्यादा आ जाए, खा जाएगा पोटेशियम परमैंगनेट। अभी हम टाइटेशन करते हैं। चलिए मेरा ब्यूरेट में पोटेशियम परमैंगनेट भरा हुआ है, इसमें हम टाइटेशन कर रहे हैं। इसका इंड कलर आएगा पिंक, जैसे ही पिंक कलर आएगा आपका टाइटेशन बंद हो जाना चाहिए। लेकिन चूंकि आपको आइडिया नहीं है कि कितना तक रीडिंग आएगा और पिंक कलर आएगा, इसलिए बीच बीच में आपको इसको रोक के देखना होगा। लेकिन रोक के कब देखिएगा, ऐसा नहीं है कि 5 ml डालिएगा रोक के देखिएगा, 10 ml डालिएगा रोक के देखिएगा, ऐसा तो नहीं होगा। तो इसीलिए मैं बोला कि आप दो सैंपल को इसमें कीजिए। फर्स्ट सैंपल से आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ मेरा 30 ml कंज्यूम किया या 30 के पास हमको अलर्ट हो जाना है या 35 में अलर्ट होना है। इसलिए दो सैंपल आप हमेशा कीजिएगा। इसीलिए मैं 250 ml कोनिकल वॉल्यूमेट्रिक में सैंपल कलेक्ट किया हो ताकि आपको सैंपल का कमी ना हो। कुछ लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट 0.1 ग्राम सैंपल को ही नाइट्रिक एसिड में डिजॉल्व करके इसमें सॉल्यूशन डाल देते हैं, वहाँ से टेस्ट कर लेते हैं। तो वो कब होगा, जब आप बहुत एक्सपर्ट हो जाइएगा तभी कीजिएगा, उसमें ऐसे नहीं कीजिएगा। कलर देखिए कैसा आ गया ये, अब ये वाइट से आपका चला गया कलर, आ गया एक बिस्किट कलर टाइप का, मतलब ग्रे कलर आ गया ये। अब बीच बीच में आपको रुक के देखना पड़ेगा कि अब वो मेरा पिंक कलर आया कि नहीं। आप इसको बीच में ऐसे करके देखिए, आपका एक लेयर बनेगा ऊपर में जो पिंक कलर का एक लेयर बनाएगा। अभी ये देखना है कि मेरा पिंक कलर का लेयर आया कि नहीं। अभी ये मेरा लेयर पिंक कलर का नहीं आया, देखिए यहाँ वाइट ही दिख रहा है, दिख गया होगा आपको, वाइट ऊपर का लेयर वाइट है, अभी पिंक नहीं आया है। अभी हमको टाइटेशन और करना होगा। लेकिन क्या है कि हमको पता हो गया है कि अब मेरा कलर आने वाला है, इसलिए 0.5 ml ही हम डालेंगे ब्यूरेट से देख के। फिर देखिए कलर आया कि नहीं। अभी भी नहीं आया है ये। फिर डालिए, फिर चेक कीजिए।
अभी भी कलर डेवलप नहीं किया है पिंक। अभी भी नहीं आया है। लास्ट टाइम में थोड़ा सा आपको अलर्ट रह के टैटिसन करना होगा, इसीलिए मैं बोला कि एक बार आप फ्रीक्वेंटली कर लीजिए ताकि आपको आइडिया मिल जाएगा कि हाँ ये कितना ml में है मेरा, ये कलर आ सकता है। फिर उसके बाद दूसरा सैंपल को आप सावधानी से टैटिसन कीजिए। अगर मान लीजिए लगा कि आपको 35 ml में कलर आ गया या 36 में, तो 1-2 ml पहले से आप अलर्ट हो जाइएगा। अभी भी नहीं आया है। चूँकि मेरा कोनिकल गर्म है इसलिए मैं डायरेक्ट नहीं पकड़ सकता हूँ, हाथ में ग्लव्स नहीं है इसलिए कपड़ा से पकड़ के रखा हूँ। अभी भी नहीं आया है ये, अब जस्ट आने ही वाला है ये कलर। ये हाई ग्रेड मैंगनीज है, समझ में आ गया मुझे। बंद कीजिए। देखिए देखिए, अपर लेयर में मेरा कलर आ गया। देखिए ये पिंक कलर दिख रहा है, ध्यान से देखिए पिंक आया है कि नहीं। अब जब पिंक आ गया तो आप इसको नीचे रख दीजिए। अब देखिए आप पिंक, ये कलर आ गया आपका, इसका एंड पॉइंट है, यहाँ पे आपको टैटिसन रोक देना है। अभी मेरा कितना कंज्यूम कर गया देखिए, मेरा कंज्यूम कर गया 44.5। ये कलर देख लीजिए, आप जब भी कीजिए तो इसको 2 सैंपल बनाइए। 250 ml में आपका सैंपल रखा हुआ है, आप फर्स्ट टाइटेशन कीजिए, वाइग्रोसली टाइटेशन कीजिए, और टाइटेशन करते करते आप देखिएगा कि मान लीजिए अभी मेरा 45 पे आया, हो सकता है आप टाइटेशन करते करते ये 47 में चले जाइए, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि 47 के पास मेरा कलर आ गया था। ये आपको देखने का भी ज़रूरत नहीं होगा, ये कलर ऑटोमेटिक टाइटेशन करते करते आपको डिस अपेयरेंस में आ जाएगा।
तो आपको लग जाएगा कि हाँ 47 के आसपास में ये मेरा कलर आ गया था, तो आप 5 ml पहले से ही आप स्लो हो जाइए और वहीं से आप टाइटेशन को हर 1 ml 1 ml 1 ml करके आप टाइटेशन कीजिए। सिंपल तो चूंकि आपका ये गर्म रहता है, आपका हाथ थक जाएगा हो सकता है, लेकिन आपको करना होगा उसी तरह से। ये मेरा छोटा 500 ml का कोनिकल फ्लास्क था, आप 1 लीटर में कीजिएगा, थोड़ा हैंडलिंग करना आसान होगा आपको। तो ये कलर आप समझ जाइए, इसी कलर में आपको एंड पॉइंट लाना है मैगनीज का। ये हम सिल्को मैगनीज का टेस्ट कर रहे थे, ये हाई ग्रेड का मैगनीज है। तो अभी हम आप चलिए आपको कैलकुलेशन के पास ले चलते हैं, कैसे कैलकुलेट करना है इसको। चलो अब कैलकुलेशन को आप समझिए, हम लोग टेस्ट क्या किए, प्रोडक्ट नेम सिल्को मैगनीज। सिल्को मैगनीज का फर्स्ट सैंपल कितना लिए थे, सैंपल वेट 0.5 ग्राम। अब 0.5 ग्राम सैंपल को हम क्या किए, 250 ml के वॉल्यूमेट्रिक में एब्जॉर्ब किए, जमा किए। तो क्या 250 ml में बना लिए उसको सॉल्यूशन को। अब उसमें से हम 50 ml सॉल्यूशन निकाल के हम टेस्ट किए थे, जो कि मेरा 50 ml सॉल्यूशन 0.1 ग्राम बन रहा है। 0.5 ml को 250 ml में वॉल्यूम मेकअप किए, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में इसमें से हम कितना निकाले, 50 ml। तो 50 ml जो हम सॉल्यूशन निकाले वो मेरा 0.1 ग्राम बनता है। कैसे बनता है देखिए, एक सिंपल सा कैलकुलेशन आपको बता देते हैं। 0.5 ग्राम सैंपल लिए, इसको क्या किए 250 ml में डाले, तो उसको इसका ग्रेजुएशन निकालिए, डिवाइडेड कीजिए इसको 250 से, कितना आ गया, इतना आ गया। अब इसमें से हम कितना निकाल लिए इंटू 50 ml, इक्वल टू कितना हो गया 0.1 ग्राम। 0.1 ग्राम सैंपल से हम मैगनीज टेस्ट किए, तो मेरा अब क्या हो गया, ब्यूरेट रेटिंग कितना आया 44.5। सब मेरे सॉल्यूशन में फैक्टर है 0.99। मैं अपना सॉल्यूशन का फैक्टर आपको निकाल के बताया था कि मेरा सॉल्यूशन में फैक्टर कितना है, तो मेरा सॉल्यूशन फैक्टर है 0.99। अब कैलकुलेशन क्या कर दिया हम, 44.5 ब्यूरेट रीडिंग इंटू 1.666। अब ये 666 हम लिए हैं, हो सकता है आपके पास 665 आ जाए या 647 आ जाए, कुछ भी आ सकता है, उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। लेकिन आपका एक्चुअल जो हम लोग लेते हैं लास्ट में, उसको क्या कि हम लोग अराउंड करके 1.666 कैलकुलेशन कर लेते हैं, इनटू मेरा जो सॉल्यूशन फैक्टर है वो 0.99 फैक्टर मार दिए, आ गया मेरा 73.40% ऑफ मैगनीज। ये हमारा मैगनीज का परसेंटेज आपके सामने है। इसी तरह से आपको मैगनीज करना है। आपको मैं बोला कि मैगनीज दो बैठाइएगा हॉट प्लेट पे, मतलब आप सॉल्यूशन बनाइएगा दोनों में आप एक एक करके दो मैगनीज कीजिएगा, उसके बाद ही आप रिपोर्ट कीजिएगा। क्योंकि एक बार कीजिएगा तो हो सकता है आपका पोटेशियम परमैंगनेट ज़्यादा यूज हो जाए, आपको पता नहीं चल पाए। इसलिए जब भी कीजिएगा तो दो सैंपल से आप टेस्ट कीजिएगा, ठीक है। और इस प्रोसेस से तो आपको मैं बता दिया, इसमें क्या हो गया कि आपके पास सैंपल बना हुआ है, आप जितना बार इस सैंपल से टेस्ट कीजिएगा तुरंत तुरंत सैंपल टेस्ट कर पाइएगा। दूसरा क्या है कि या तो आप डायरेक्ट 0.1 ग्राम सैंपल लेके ही आप कर सकते थे, 0.1 ग्राम सैंपल लेके इसको क्या करना था, नाइट्रिक एसिड से इसको डिजोल्व करवा लेते, डिजोल्व करवाने के बाद फिर उसी में क्या करते हैं, जो सॉल्यूशन बनाया हम जिंक ऑक्साइड का उसी में डाल देंगे, और जिंक ऑक्साइड का सॉल्यूशन डालने के बाद लास्ट में नाइट्रिक एसिड डाल देंगे 5 ml, और फिर हम पोटेशियम परमैंगनेट से टाइटेशन कर देंगे तो भी वही रिजल्ट आएगा। लेकिन क्या होगा कि हो सकता है उस टेस्टिंग में आप एक बार फेल हो जाएं तो दूसरा बार करने जाइएगा तो फिर आपको 2 घंटा टाइम लग जाएगा। इसलिए इस प्रोसेस को अपनाइए। इस प्रोसेस में क्या है कि आपके पास सैंपल रेडी हो जाता है, आप तुरंत तुरंत आप उसको टेस्ट को दोबारा तिबारा आप करके आप फाइनलाइज कर सकते हैं। और एक चीज़ और है, हमारा जो रेसिड्यू बचा था जब सिलिकन जब हम उसको फिल्टर कर रहे थे, तो देखिए हम फिल्टरेट ले लिए और रेसिड्यू बच गया मेरा उसमें, तो उस रेसिड्यू को आप अच्छे से वाश करके
उसको मफल फर्नेस में जला लीजिए। जलाने के बाद वो आपका सिलिकन परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। आप उसको सिलिकन का फैक्टर लगा लीजिएगा, वो आपका सिलिकन आ जाएगा उसमें। अलग से आपको सिलिकन करने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। और नहीं तो फिर मैं सिर्फ सेपरेट वीडियो एक सिलिकन का बना के आप लोगों को डाल दूँगा। ओके, गुड नाइट, थैंक यू।